शिक्षक महोदय एवं मित्रगण, मेरा नाम चंचल कुमारी है और मैं प्लस टू में ससन हाई स्कूल की छात्रा हूँ और मैं दसम वर्ग की छात्रा हूँ और ये मेरे मित्र हैं। मैं याचिका कुमारी क्लास दसवीं की छात्रा हूँ। मैं रिंकू कुमारी क्लास दसम वर्ग की छात्रा हूँ। मैं पलक कुमारी क्लास दसम वर्ग की छात्रा हूँ। अब हम जानेंगे कि लौंग का लौंग क्या है। तो लौंग वह है जो भस्म से अंग की अभिक्रिया कराई जाती है तो लौंग का जल बनता है। तो मेरा टॉपिक है लौंग के नामकरण। तो मेरे मित्र बताएंगे कि लौंग के नामकरण क्या है। मेरा टॉपिक है लवण के नामकरण। सबसे पहले हम जानेंगे लवण होता क्या है। अम्ल तथा भस्म से अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। उदाहरण में HCl प्लस NaOH अभिक्रिया कराएंगे तो मुझे प्राप्त होगा NaCl प्लस H2O। अब हम जानेंगे कि लवणों के नामकरण का उत्पत्ति कैसे हुआ। लवण के समान भास्मिक मूलक तथा अम्लीय के समान भास्मिक मूलक से मूलक के आधार पर लवणों का नामकरण किया जाता है। जैसे NaCl में सोडियम, NaCl में समान भास्मिक मूलक सोडियम समान भास्मिक मूलक से NaCl में समान भास्मिक मूलक से सोडियम आयन प्राप्त होता है जिसे हम सोडियम लवण कहते हैं। अब Cl में समान अम्लीय मूलक से हमें क्लोराइड आयन प्राप्त होता है जिसे हम इन लवणों को क्लोराइड लवण कहा जाता है। भास्मिक मूलक प्लस पे होता है और अम्लीय मूलक माइनस पे होता है। हमारा टॉपिक है लौंग का वर्गीकरण। सबसे पहले जानेंगे कि लौंग का वर्गीकरण क्या होता है। लौंगों के रासायनिक सूत्र के साथ साथ पीएच का मान के आधार पर वर्ग में बांटा गया है। सबसे पहले जानेंगे कि सामान्य लौंग होता क्या है। एक सामान्य लौंग वह होता है जिसमें आयनिकरणीय हाइड्रोजन परमाणु एवं हाइड्रोक्लोरीन समूह होते हैं हाइड्रोक्लोरीन समूह नहीं होते। इसका अर्थ है कि एक अम्ल द्वारा एक क्षार के पूर्ण रूप से उदासीन से बना होता है। जैसे NaCl और KCl, NO3 और K2SO4 और इसका मतलब हो जाएगा कि एग्जाम्पल NaCl। और उसके बाद जानेंगे कि अम्लीय लौंग क्या होता है। अम्लीय लौंग वह होता है कि जिसमें कुछ प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इसका अर्थ है कि क्षार द्वारा अम्ल का उदासीनीकरण पूर्ण नहीं होता। जैसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इत्यादि, उसका हो जाएगा सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट। और उसके बाद जानेंगे भास्मिक लौंग। वैसे भस्म जिसके अणु में एक से अधिक हाइड्रोक्लोरीन समूह होते हैं अम्ल द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होकर भास्मिक लौंग प्रदान करते हैं उसे भास्मिक लौंग कहते हैं। जैसे PbOH गोल्ड पॉइंट प्लस HNO3। उसके बाद PbOH NO3 प्लस H2O। उसके बाद इसका एग्जाम्पल होगा कॉपर सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। और सोडियम प्लस में होता है और कैल्शियम माइनस में होता है। इसी तरह सोडियम प्लस में और सल्फेट 2 माइनस में होता है और कॉपर प्लस में होता है सल्फेट माइनस में होता है और कार्बोनेट प्लस में होता है प्लस CO3 माइनस में होता है। इसी के साथ अपने मित्र को बुलाएंगे कि लौंग के गुण के बारे में बताएंगे। मेरा टॉपिक है लौंग के
पीएच मान 7 होता है। उदाहरण में KCl NaCl KNO3 ये उदासीन होते हैं। नंबर 2, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। इसके उदाहरण में तीसरा गुण दुर्बल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसका उदाहरण में NA2CO3 NaHCO3 होता है। इसी के साथ हमारा टॉपिक सोडियम क्लोराइड, हम जानेंगे कि सोडियम क्लोराइड प्राप्त कैसे होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, इसे हम साधारण नामों में भी कहते हैं। मोबाइल नंबर इसका रासायनिक सूत्र NaCl भी होता है। अब हम जानेंगे कि सोडियम क्लोराइड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। भाषिक लमन को बताओ।
दिक्कत था। समझ जाओगी देखो वहाँ पर जो H दिख रहा है ना, जो H देख रहे हैं उसके अंदर में जैसे इसने लिखा, अच्छा पहले लिख रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट वहाँ H देख रहा है ना, जो हाइड्रोजन है वही उसको हम नीचे लिख रहे हैं, क्योंकि तुमको मालूम है ना एच प्लस आयन जहाँ इंक्रीज करता है तो क्या होता है, अम्लता बढ़ती है, तो वहाँ एच है इसलिए वो वहाँ पर क्या कर रहा है उसको अम्लीयता दे रहा है। एक लिखिए क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट भी करते हैं इसको, वहाँ एच जो पढ़ लिया है ना वही उसको अम्लीयता बना, समझ आ गया, समझ गए ना। और यहाँ देखो पी पी ओ एच ट्वाइस यानी लेट हाइड्रो ऑक्साइड हुआ, वहाँ ओएच तो है ही यहाँ समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और HNO3 ये तो रिएक्शन करके बताइए उसको, तो समझिए जहाँ भी ओएच मिलेगा वो तुम्हारा क्षारीय अम्ल होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा क्षारीय अम्ल, यही कंसर समझ आ गया। जहाँ भी देखो वहाँ पर H जो तुम देख रहे हो दोनों में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वह जो H वहाँ प्रेजेंट है ना वही उसको अम्लीयता लाता है, ठीक है। और जहाँ OH वहाँ देख रहे हो OH twice देख रहे हो ना वो उसको क्षारीयता लाता है, लेट हाइड्रोक्साइड जो है OH वहाँ क्या है OH को क्षार को ही बताता है ना, वो उसको क्षारीयता को बताता है, यही है। अब समझ आ गया, जहाँ भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा ना जहाँ भी वहाँ वो क्या करेगा उसको अम्लीयता बढ़ाना, ठीक है। चलो आगे साधारण नमक में भारत में ये तो ऑब्जेक्ट का मैं भी नहीं बता सकता, कितने तक नमक पाए जाते हैं समुद्री नमक पाए जाते हैं, नमक तो समुद्र से ही निकलता है, कितना प्रतिशत में पाया जाता है वो कितना 95%, चलो 95%। और क्वेश्चंस और कोई रन नहीं हो गया और मेरा कुछ चलता है, हाँ कौन कौन से काली मिट्टी के नाम से काली मिट्टी, क्या बोलो तेज बोलो, काली मिट्टी और भूरा, बता दो अगर जानती हो तो उधर क्या बोल रहे, बताओ जानती हो तो बता दो, नहीं आते काली क्या बोले, काली मिट्टी भूरा रंग का हो जाता है, ओ चलो समझ गए ना, काली मिट्टी के चलते वो क्या हो जाता है भूरा हो जाता है, और उसके फिर उसका हम लोग क्या करते हैं एक्सट्रैक्शन करते हैं दाना, फिर उसके बाद प्योरीफाई करते हैं उसका, तब जाकर सॉल्ट मिलता है। चलो ठीक है हो गया, और कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ दो, कर दो हो गया फाइनल।